खुद ही तो हूँ, एक कमी थी जिंदगी में, हर कदम हर मोड़ पर एक दिन खुद को पुकारा, इल्म को आवाज दी, सुना सा कुछ नया सा, एक नगमा गूंज उठा, अपने पे ईमान आया, अपने पे आया यकीन, पा लिया है मैंने जिसको, खुद ही हूँ खुद ही तो हूँ। बहू जरा ये तेल गरम कर ला, और सुन थोड़ी सी हींग भी डाल लाइयो। कोई और काम हो तो वो भी बता दो माँ जी, अभी स्कूल का काम भी करवाना है बच्चों का। नहीं बस तू इसे गरम कर ला। अच्छा। सत्तों की अम्मा ने खाट पकड़ ली थी, महीनों पड़ी रहे, पर बाबा के हाथ में जादू है जादू, हफ्ते भर में उठ के खड़ी हो गई। उनसे एक बार मिलके तो देख ले सुरेश, तुझे जरूर अच्छा कर देंगे बाबा। अम्मा तुम क्यों परेशान होती हो? ये साधु, ये बाबा, ये तेल मालिश, इन सबसे क्या होगा? विश्वास भी तो कोई चीज होती है बेटा, बाबा के हाथ में चमत्कार है चमत्कार। क्यों भाई सुरेश, आज कुल 1235 रुपए की बिक्री हुई। हाँ दुकानदारी तो भाई साहब अब दशहरे से ही जोर पकड़ेगी। ये क्या, तूने चंद्रपाल को फिर से उधार दे दिया? मैंने मना किया था ना भाई साहब, अब 8-10 दिन की तो बात है, अब पेंशन मिलते ही वो चुका देंगे। महेश आ जाएंगे पैसे बेटा, तेरे पिताजी के पुराने दोस्त है वो। अम्मा वो सब ठीक है, लेकिन अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? पिछली बार नंदू ने 6 चक्कर लगाए उनके घर के, तब कहीं जाकर पैसे वसूल हुए। हमें नहीं करनी ऐसी दुकानदारी। माधुरी दीक्षित के, करिश्मा कपूर के, ममता कुलकर्णी के, मैंने तो भाव भी मालूम कर लिए हैं, 48 रुपए दर्जन, और बिकेगा 10 रुपए का एक। लला एक पाव दाल चने की। दाल दे दे एक पाव चने की, कैलेंडर बेचेगा 10 रुपए का एक, चल चल दाल तोल। ला भैया 6 रुपए। हैंड माने हाथ, टीथ माने दांत, टंग माने जी पापा जी कर लिया। अरे ये हासिल के 2 आएंगे कि 5? 7 और 8 15 20 26 का लगा 6, हासिल हुए 2, कितने हुए हासिल के, कितने हुए हासिल के? 2। चल इसे दोबारा कर। टीथ माने दांत, आई माने आंख, हैंड माने हाथ। महेश तुझसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो अम्मा। बेटा वो सुरेश के बारे में सोच सोच के परेशान हूँ। वैसे तो ईश्वर की कृपा से सब कारज हो ही रहे हैं, कोई कमी नहीं है, पर एक इच्छा थी किसी तरह से सुरेश की शादी हो जाए, यही इच्छा है ना तुम्हारी? अम्मा हम हफ्ते में 2-3 दफे इस बारे में जरूर बात करते हैं। बेटा उसकी उम्र हो गई है और अब तो वो कमाता भी है। हाँ मैं कब मना कर रहा हूँ, अब तक कितने आदमियों से उसकी शादी की बात भी कर चुका हूँ, लेकिन बात हमेशा अपाहिज पे आके रुक जाती है। सुरेश अपाहिज नहीं है। अम्मा ये तुम और मैं कहते हैं, लेकिन बाहर वाले तो कुछ और ही कहते हैं ना। कोई अच्छी लड़की या अच्छे घर का पता है तुम्हारे पास तो बताओ, मैं कल ही जाता हूँ बात करने के लिए। वैसे मैंने रामभद्र पंडित जी से बात तो की है, देखो
भगवान जाने इस लड़के की किस्मत में क्या लिखा है। लड़का बिल्कुल हीरा है कृष्ण प्रसाद जी, हर प्रकार से आरती बिटिया के लिए उपयुक्त। पर आप कह रहे थे कि पैर में। अजी आप भी बस एक बात को लेकर इतना उलझ गए कि आगे पीछे का कुछ सोच ही नहीं रहे। मैं कोई आरती बिटिया का दुश्मन हूँ क्या है? लड़का सुशील है, सचरित्र है, घर की दुकान पर बैठता है, खूब कमाता है, प्राइवेट में एमए भी कर रहा है। अब और क्या चाहिए आपको बताइए हैं? वो सब तो ठीक है पंडित जी, पर आरती भी मेरी अपनी ही बेटी है, कोई सौतेली नहीं। किसी अपंग के पल्ले उसे कैसे बांध दूं? राम राम कृष्ण प्रसाद जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? उसकी चाल में थोड़ी सी लहक है बस, और आप उसे अपंग समझ बैठे हैं। खैर आप सोच लीजिए, हाँ या ना कर दें तो मैं उसके बाद कहीं और चलाऊं। पंडित जी थोड़ा समय तो दीजिए, सलाह मशवरा करके मैं आपको जवाब दूंगा। हाँ हाँ अवश्य कीजिए, आप लोग आपस में बात कर लीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा नमस्कार जी, नमस्कार। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, अच्छा घर, योग्य वर, ऊपर से दहेज की कोई मांग नहीं, ये सब बड़ी मुश्किल से मिलता है। नमस्कार। अच्छा अब तुम ही बताओ क्या करें। मेरा दिल तो नहीं मानता, पहली बेटी की शादी और दामाद में खोट। पर उर्मिला हमारे पास दान दहेज के नाम पर फूटी कौड़ी भी तो नहीं है, ऊपर से तीन बेटियां और हैं वो भी शादी के लिए तैयार। आरती अगर पढ़ी लिखी होती तो कुछ और सोचता मैं। अब पंडित जी को भी जल्दी जवाब देना है। भाई मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता क्या करूं। अम्मा। तुम बाबूजी से कहो कि वो वहां हाँ कर दे। आरती ये वो लड़का। मैंने सब कुछ सुन लिया है, अगर मेरे नसीब में सुख लिखा होगा तो उसी घर में मिल जाएगा। बाबूजी को तो चार चार बेटियां ब्याहनी है, कैसे करेंगे वो सब कुछ अम्मा? आरती तू तो सचमुच बड़ी हो गई। पंडित जी मां से बहुत तारीफ करते थे तुम्हारी, कहते थे आरती बहुत सुशील है, सुखड़ है, सुंदर है, घर को संभालने वाली है, घर को स्वर्ग बनाने वाली है, और भी ना जाने क्या क्या। मुझे विश्वास ही नहीं होता था, सोचता था
जैसे कि ऐसी किस्मत कहा। पर आज तुम्हें देखकर लग रहा है आरती, पंडित जी ने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी बताया वो एकदम सच है। पंडित जी ठीक कहते थे। उन्होंने मेरे बारे में तुमको क्या क्या बताया? बताओ ना आरती, क्या जानती हो मेरे बारे में? यही कि आपके भैया हैं, भाभी है, बंटी और बबलू है, आपका अपना मकान है, दुकान है, और आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। जानती हो आरती, बड़ा होकर मैं क्या बनना चाहता था? बड़ा होकर मैं टीचर बनना चाहता था आरती, अध्यापक जो सबको ज्ञान बांटता है। पर आदमी जैसा सोचता है, जैसा वो चाहता है, वैसा हमेशा होता कहाँ है आरती? पिताजी के देहांत के बाद दुकान की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। खैर, अच्छा ये बताओ तुमने कहां तक की पढ़ाई? मैं पढ़ लिख नहीं सकती। कभी मौका ही नहीं मिला। जब मैं 3 साल की थी तो अंजलि और उसके 1 साल बाद ही अंजू का जन्म हुआ। बाबूजी की नौकरी मेरठ में थी और हम लोग गांव में। बाद में बाबूजी हमें यहाँ ले आए। बहनों में मैं सबसे बड़ी थी, सो घर के कामकाज में माँ का हाथ बटाने लगी। फिर घर का काम भी तो इतना होता है ना। पर अंजलि, अर्चना और अंजू तीनों पढ़ रही है। और तुम आप पढ़ लेना, पढ़ने लिखने में कभी देर नहीं होती। मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, पढ़ोगी? हाँ, ये देख, ये मेरे ताऊजी हैं, मेरी शादी में स्कूटर दिया था इन्होंने। और ये मेरी मौसी हैं, 5 तोले का सेट चढ़ाया था इन्होंने मेरी शादी में। मेरे मौसा जी बहुत बड़े अफसर हैं। जी जी, ये कौन है? ये, अरे ये तो मेरे बड़े भैया हैं, बैंक में मैनेजर हैं, 12,000 तनख्वाह है इनकी। राज जी, जरा इधर तो आइयो। वो एक मिनट का भी चैन नहीं है। आ रही हूँ। दो, तीन, चुप, बस हंसता रहता है और कुछ नहीं। 5, 1, 2, 3, 4, 5 जीत जाऊंगा। पहले खेल तो, फिर पता चलेगा कौन जीता। चाची हमारे साथ लूडो खेलोगी? नहीं नहीं, अभी नहीं, शाम को खेलूंगी। ठीक है, पहले अपनी बारी तो चल। बंटी चल, मैं चल दूं तेरी बारी? अच्छा एक बात तो बताओ, तुम लोग, तुम दोनों को कुछ पढ़ना लिखना भी आता है या बस यूं ही दिखाने को ही स्कूल जाते हो? चाची हम तो रोज पढ़ते हैं, हमारे पापा जी हमको पढ़ाते हैं। एक बात बताओ चाची। हाँ बताओ। भैया की तरह पिटाई भी होती है। है? डेयर
एंड टॉर्टोइस दे आर फ्रेंड्स एंड दे हैव डिसाइडेड टू प्ले अ रेस रैबिट सेज यू कांट विन द रेस बिकॉज यू कांट रन फास्ट। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हें अपने चाचा का नाम पता है? सुरेश। वो तो मुझे भी मालूम है, तुम जरा लिख के दिखाओ। चाची सर पे बड़े ऊ की मात्रा आएगी कि छोटे ऊ की? मैं क्यों बताऊं? तुम लिखो अपने आप। चाची बस एक बार बता दो ना, फिर नहीं पूछूंगा बड़े ऊ की आएगी कि छोटे ऊ की। तुम्हारे चाचा छोटे हैं ना? हाँ हाँ। तो बस फिर छोटी वाली ही तो आएगी। अच्छा लो चाची। हाँ ठीक लिखा है, शाबाश। आ भाई हो इतनी देर में? अच्छा पहले अपनी आंखें तो बंद करो। क्यों भाई, एक तो इतनी देर से आई हो, ऊपर से अपनी आंखें बंद कर लो। करो तो सही। अब देखो ये तो मेरा नाम लिखा है। तुमने लिखा है? हाँ। पूरा कागज मेरे नाम से भर डाला, पर ये लिखा कैसे तुमने? किसने सिखाया तुम्हें? पहले बबलू से आपका नाम लिखवाया, फिर देख देख के मैंने भी वैसे ही बना दिया। अच्छा अब जरा ये तो बताओ इसे पढ़ के कि तुमने लिखा क्या है, एक बार पढ़ो ना, पढ़ो ना। सुरेश। एक बार फिर पढ़ो। सुरेश। इतना प्यारा तो अपना नाम कभी नहीं लगा रही। तुम्हारे हाथ के लिखे इन अक्षरों ने मुझे बादशाह बना दिया आरती। इन अक्षरों का जादू ही कुछ ऐसा है। ये लो जी चाय। हाँ हाँ रख दो रख दो। बंटी अगर आज तू अपने कपड़े गंदे करके लाया ना तो फिर मैं बताऊंगी तुझे। ठीक है, नहीं करूंगा कपड़े गंदे। तुम्हारे लाडलों के चक्कर में रोज देरी हो जाती है। वो तो अच्छा है कि नौकरी सरकारी है, कहीं प्राइवेट में होता ना तो अब तक 36 दफे बर्खास्त कर देते। अरे मैं भी तो सुबह से लगी हुई हूँ, बैठकर आराम थोड़ी ना कर रही हूँ। चलो बंटी बाबलू जल्दी चलो। चल बंटी चल। भाई साहब मुझे अपनी एग्जामिनेशन फीस जमा करानी है, 450 रुपए का ड्राफ्ट लगेगा। सुरेश ये सब बातें शाम को बताया कर, अब दफ्तर जाते वक्त तू भी। अच्छा ठीक है जा अपनी भाभी से ले ले। अभी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कभी खत्म भी होगी या नहीं लाला जी? क्या फायदा है मैं करके, बैठना तो तुम्हें दुकान पे ही है ना, कमाई बढ़ जाएगी क्या? अपने भाई साहब के बारे में भी सोचा करो,
पूरी की पूरी तनख्वाह लगा देते हैं दुकान में। ये लो। आपका टिफिन। आरती, भाभी की बातों को बुरा मत मानना, वो मन की बुरी नहीं है। अच्छा अम्मा, मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। अम्मा इतना गलती को बांध रही हो लग रही है। अरे कसके चुटिया बांधने से बाल लंबे होते हैं। अर्चना मैं कहती हूँ तो मेरा सूट दे दे। मैंने मेरा सूट मैं नहीं दूंगी। देखो ना अम्मा इसे, मैंने अपना सूट धो सुखा के प्रेस करके रखा और महारानी जी जल्दी उठा के। अर्चना मैं कहती हूँ तेरे पास अपने कपड़े नहीं है क्या? मैं कहती हूँ मेरा सूट दे दे। अम्मा ये भी तो मेरे कपड़े पहनती है। अंजलि अम्मा जीती जी जल्दी आएंगे। चल चल। कैसी है तू? बिल्कुल जी। क्या जीजा जी, आप तो हमें एकदम भूल ही गए हैं, कितने दिनों बाद आए हैं। अरे भूल गया होता तो आता कैसे। नमस्ते जी। नमस्ते। आइए आइए। हम अचानक जी जी। नमस्ते जी। नमस्ते। अरे कुर्सी ला अपने जीजा जी के लिए। अरे अरे ठीक है माता जी, भौजी घर पे नहीं है क्या? सुबह से तो घर में ही थे, बाजार तक गए हैं, बस आने वाले होंगे। बैठो बेटा। दीदी वो तो दिन पे दिन बड़ी सुंदर होती जा रही है। अच्छा। क्या चक्कर है? लगता है जीजा जी तेरी खूब सेवा करते हैं। अगली जाएगी। और अंजू तेरी पढ़ाई ठीक चल रही है ना? ठीक चल रही है। बिल्कुल ठीक। हाँ। दीदी ये अंगूठी नहीं ली है क्या? नहीं, ये मेरी सास ने दी है। अच्छा। हाँ। और सुरेश बाबू दुकान कैसी चल रही है आपकी? जी ठीक चल रही है। और अब तो एग्जाम भी होने वाले होंगे। जी परसों ही भेजा है फॉर्म, इस बार तो फाइनल है। और हमारी बेटी से सब खुश तो है ना? वहाँ काम काज में तो बहुत सुघड़ है, बस एक पढ़ाई। अब तो वो कमी भी पूरी हो गई है बाबूजी, आरती पढ़ना लिखना सीख रही है। सच्ची जी जी ये सब तूने लिखा है? और नहीं तो क्या, तेरे जीजा जी पढ़ाते हैं मुझे। ठीक से बैठ। सुन तू खुश तो है ना वहाँ? हाँ अम्मा बहुत खुश हूँ। और अम्मा नानी बनने वाली हो? सच? नाइन वन जा नाइन, नाइन टू जा, नाइन टू जा, नाइन टू जा, नाइन टू जा एटीन, नाइन थ्री जा। भाई साहब लिस्ट बना लिए, कल सुबह मंडी जाऊंगा। कितने का सामान लाएगा? 10,000 रुपए दे दीजिए। अच्छा ठीक है, जोर से बोल, जोर से, अंदर तक आवाज आनी चाहिए। नाइन वन जा नाइन, नाइन टू जा एटीन, नाइन थ्री जा 27, नाइन थ्री जा 27, नाइन फोर जा 36, 9 4 36। ये ले, संभाल के रख ले। और सुन, सामान जरा मोल भाव करके ही खरीदना। जी अच्छा। और गुप्ता जी से कहना कि अब हमें महीने भर का उधार दें, 15 दिन में बहुत मुश्किल होती है। जी ठीक है। तो फिर चुप हो गया, चल शुरू हो जा। 9 1 9, 9 2 8। ये ले रे नंदू नमक पारे, कल ही बनाए थे। अरे वाह माता जी, शहर से कुछ मंगवाना हो तो बताओ, क्या लाऊं आपके लिए? मुझे क्या चाहिए, बस तुम आ जाना शाम को जल्दी से जल्दी, आज अंजू का जन्मदिन है ना। हाँ हाँ मुझे याद है, जल्दी आऊंगा, बस तुम तैयार रहना। सुरेश भैया जल्दी करो, बस छूट जाएगी। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। अरे अरे क्या कर रही है? बाल्टी पूरी भरी हुई नहीं है माँ जी। बस बस रहने दे, कितनी दफे कहा है कि मुझे बुला लिया कर। चल अंदर चल।
हो जाएगा सब काम। बड़े दुखों से पाला है मैंने सीरीज को, तब जाके कहीं ये दिन देखने को मिला। अब तू भी सही सलामत निपट जाए तो मैं चैन से मरूं। ऐसी बातें क्यों करती है माँ जी? अच्छा ठीक है, नहीं करती, पर अब तू आराम कर ले, शाम को जाना भी है तुझे। हो गया मैं पर हुआ क्या?